सब कुछ ठीक था, अचानक इसके पापा को पता नहीं क्या हुआ, गुस्सा गए और वीडियो बनाने से मना कर दे रहे हैं कि आज हम वीडियो नहीं बनाएंगे बोल के, गुस्सा गए ना परी। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल दिलीप सोनी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे आप सभी, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो अभी हो चुका है सुबह और सब कोई अपने काम में बिजी हैं और मैं भी सो के उठ के एकदम तैयार हो चुकी हूँ। अभी मुझे नहाने के लिए जाना भी है क्योंकि अभी मैं कुछ खाई नहीं हूँ क्योंकि अभी मुझे पूजा भी करना है। तो आज है संडे इसलिए हमारा स्कूल छुट्टी है। तो अभी मैं दिखाती हूँ कि सब कोई घर में क्या काम कर रहे हैं। सब कोई का काम बट गया है, करने लगे हैं। देखिए अभी पाइप से पानी भर रहे हैं, देखिए अभी भर जाएगा। इधर भी एक हम लोग का एक्वेरियम रखा हुआ है। आपको इसमें दिखा दे कि ढेर सारे फिशेस हैं। अब मैं एक चीज बता दूं कि ये जो है ये मरा नहीं है, अभी ये ऐसे बस नाटक करता है। और बाकी देखिए बाकी सब है। और चलिए अभी भैया को भी दिखाती हूँ। तो ये है मेरा भाई, हेलो गाइस, बैठा हुआ है। तो गाइज आप सभी तो देख चुके हैं कि पापा और भैया क्या कर रहे हैं। तो चलिए अभी मम्मी को दिखाते हैं और मम्मी कहाँ पे है वो भी बताते हैं, क्योंकि मम्मी तो किचन ही में होगी क्योंकि उन लोग का काम ही है, किचन ही में रहती हैं। और काम तो करना उन लोग का सुबह सुबह ही से रहता ही है क्योंकि उन लोग का वो रूटीन है कि उठो खाना बनाओ बस। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि मम्मी क्या कर रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे है मम्मी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? और यहाँ पे हम अभी सुबह सुबह बना रहे हैं कटहल का सब्जी। ये आप लोग देख सकते हैं, ये रहा कटहल का सब्जी जो कि इसको बॉईल कर लिए हैं। अब इसको छौंका देना बाकी है और आज परी वीडियो स्टार्ट की है क्योंकि परी को बोले कि वीडियो स्टार्ट करो। तो अभी परी वीडियो बना रही है, अभी नहाए धोए हम लोग, कोई नहाए धोए नहीं है ना परी? हाँ, अभी तो हम पूजा करेंगे इसलिए हमने नहाया। अच्छा, पूजा करोगी? हाँ, फिर बाकी लोग भी करेंगे। और आज संडे है तो देखते है कि नाश्ता वगैरह करने के बाद, नहाने धोने के बाद कहीं जाते हैं या नहीं जाते हैं, वो तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा तब पता चलेगा, क्या परी? हाँ, और हमको उतना अच्छे से कैमरा पकड़ नहीं आता पर भी कुछ पकड़ लेते हैं। तो अभी आप देखे होंगे कि मेरा थोड़ा सा हाथ दिख गया था और वो कि हम अच्छे से पकड़ नहीं पा रहे थे मेरा जैसे हाथ। तो हम लोग का जो ऑडियंस है ना तो बच्ची है, थोड़ा सा इतना सा तो एडजस्ट कर ही लेंगे क्या? हाँ। अब परी के लिए आज एक लाइक जरूर करके जाइएगा और सब्सक्राइब भी हम लोग का चैनल को कर लेंगे। और क्या? मेरा हाथ बहुत ही हिलता है, इसको इग्नोर करिए। तो चलिए अभी मैं नहाती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो दोस्तों अभी हम और परी दोनों नहा धो के फ्रेश हो गए हैं, लेकिन अभी सारा काम खत्म नहीं हुआ है। नहाने के बाद अभी हम जस्ट नाश्ता कर लिए और परी तो पहले ही नाश्ता कर ली थी। हाँ। क्या परी? और अभी सब कुछ ठीक था, अचानक इसके पापा को पता नहीं क्या हुआ, गुस्सा गए और वीडियो बनाने से मना कर दे रहे हैं कि आज हम वीडियो नहीं बनाएंगे बोल के, गुस्सा गए ना परी? हाँ, बोल रहे हैं कि अब से नहीं बनाएंगे हम कोई वीडियो वगैरह बोल के, और हम लोग से बात भी नहीं कर रहे हैं। और इधर देख सकते हैं सो गए हैं इधर। तो पूछते हैं नहीं बनाना है वीडियो क्यों? इससे बढ़िया तो कोई जगह ना, 4-5 रुपए का चना मोड़ी बेचना तो चलेगा, झूठो को बना कोई फायदा है? ऐसा थोड़ी होता है, कभी ना कभी हम लोग भी सक्सेस होंगे। 1 साल से ट्राई मार रहे, क्या हुआ? कुछ नहीं, इसे फालतू टाइम पास है इसलिए हटाओ सब। इससे बढ़िया जाके जाओ पढ़ाई लिखाई करो अपना, कुछ कुछ में तैयारी करो। अब तुम भी एक दिन SDO बनना और भाग जाओ दूसरा। SDO ने SDM SDM बनो चाहे SDO बनो, कुछ तो बनो। अब जाओ भागो छोड़ छाड़ के। तो आप लोग देखे ही, इनको बोले कि अभी उठ के वीडियो बनाइए, और ये कोई मजाक नहीं है, सीरियसली। ये अभी हम लोग मतलब अपना फ्रेश वगैरह हो रहे थे, अचानक बैठ के पता नहीं क्या क्या सोचे, उसके बाद बोल रहे हैं इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है अभी, इतना यूट्यूब में भी अब 1 साल से ज्यादा हो गया, इतना दिन रात मेहनत करते हैं, क्योंकि हम लोग के लिए काफी डिफिकल्ट होता है वीडियो बनाना, एक वीडियो बना के डेली अपलोड करना जो यूट्यूबर है। लेकिन यूट्यूबर तो है, लेकिन किसी किसी का है कि दिन भर टाइम रहता है तो दिन भर आदमी यूट्यूब में टाइम देता है, हम लोग का वो नहीं है, हम लोग को थोड़ा थोड़ा टाइम सब तरफ देना पड़ता है। मेरे साथ में तो रोज एक ही चीज होता है, क्या? उठो बच्चा ले जाओ, बच्चा लेके आओ, फिर वीडियो बनाओ, फिर एडिट करो। लग रहा है कि हमको यूट्यूब से
हजारों रुपया मिलने वाला है, इडिट कॉल करते ड्यूटी टाइम, ड्यूटी गए उधर परेशान, आओ सुत जाओ फिर कुछ सोचो, ऐसा करने से कोई फायदा नहीं। आज के बाद बंद करो, यही वीडियो डालेंगे और कल के बाद नहीं बनाएंगे हम। अरे ऐसे हार नहीं मानते हैं, कभी ना कभी हम लोग भी। क्या फायदा है यूट्यूब में वीडियो डालो वीडियो डालो, हम सोचे कि कुछ वायरल होगा, ये सब लंदन ये सब बेकार है। ये सब बड़ा बड़ा यूट्यूबर अभी बन गया, वो सब कर सकता है भाई। और झूठा झूठा डालेंगे है ना, तो हम इसलिए झूठा नहीं डालते है ना कि 10 गो कमेंट आएगा, गाली देगा लोग, तो हमको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम गलत डालते ही नहीं है, है ना। वही चीज जाइए ना दुनिया भर का यूट्यूबर को देखिए, दुनिया भर का फेक वीडियो डाल रहा है, चल रहा है वो सबका, हम लोग का तो देखा हुआ है ना, कुछ भी नहीं। हम लोग सोचते ये है गरीब है, गरीबी ऐसा रोल कर देता है कि भाई एकदम एकदम ही गरीब है, और रहता सब कुछ है, और जाके देखना तो साइड में बड़ा बड़ा बिल्डिंग है सबका। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, हम लोग सोचते हैं ऑडियंस को क्या ठकना है, अपना फैमिली को। तो दोस्तों इनका कहना है कि हम भी अभी जाके कुछ करें, ऐसा नहीं है। एक समय ऐसा था कि मेरा भी जॉब लग चुका था, उस टाइम किशन साल भर का था ना, साल भर का था, और उस टाइम हम अप्लाई किए थे तो मेरा नौकरी लग चुका था, लेकिन उस टाइम ऐसा सिचुएशन था ना, बाल बच्चा पढ़ाएंगे ना, उस टाइम हम लोग का मतलब क्या बोले घर का ही ऐसा सिचुएशन था कि उस टाइम हम लोग को जैसे कोई सपोर्ट ला होता है ना, वो बिल्कुल कोई कहीं से हम लोग को सपोर्ट नहीं मिला। और किशन साल भर का था तो इतना छोटा बच्चा लेके, हाँ इतना छोटा बच्चा लेके नौकरी में जाना बहुत मुश्किल था। और एक ऐसा भी होता है कि आपका कितना भी बच्चा छोटा हो, लेकिन आपका अगर घर वाला सपोर्ट करने वाला हो ना, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन उस सिचुएशन में हम लोग का बिल्कुल भी मतलब एक भी हम लोग को सपोर्ट नहीं मिला, नहीं तो आज हम यहाँ पे नहीं रहते। हो सकता है हम यूट्यूब में वीडियो भी नहीं बनाते, जॉब करते रहते, ये हालात अभी हम लोग का नहीं होता। मान लीजिए इनका अभी जॉब में इतना परेशानी चल रहा है, तो कम से कम हम करते, फिर बाद में फिर बच्चा लोग हो गया, फिर परी हो गई, फिर दोनों बच्चा का परवरिश में लग गए, बाहर आ गए। और बाहर आने के बाद तो क्या होता है ना कि आपका तो कोई रिलेशन है नहीं कि आप बच्चा छोड़ के यहाँ जाए वहाँ जाए, ये भी अपना ड्यूटी में चले जाते थे, तो दोनों बच्चा को तो देखना हम ही को था, किसी के भरोसे छोड़ के जाते नहीं। बस यही सब बच्चा को अच्छा परवरिश देने के चलते हम कहीं घर से बाहर निकले ही नहीं, क्योंकि मेरे ख्याल से मेरा सोच ऐसा है ना कि आप कितना भी कमा लीजिए, मेरे लिए सबसे जमा पूंजी मेरा 2 बच्चा है, क्योंकि अगर बच्चा सही है तो आप जिंदगी में सब कुछ कर लिए। अब पैसा ही रहेगा आपका, बाली बच्चा अच्छा नहीं रहेगा तो पैसा कमाया हुआ कोई काम का नहीं है। तो क्या करेंगे दोस्तों, जो सिचुएशन अभी चल रहा है, अभी तो ये बोल रहे हैं कि तुम भी नौकरी करेगी SDM जैसा, फिर तुम भी छोड़ के चल जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी 2 बाल बच्चा है, एक कर लिया तो उसका मतलब नहीं है कि सब कोई कर लेगा वैसा, क्या परी। अब परी इसको पढ़ा लिखा रहे हैं, ये सबको बोल रहे हैं कि पढ़ो लिखो आगे नौकरी करो। क्या? परी परी का सुझाव के लिए अच्छा अच्छा कमेंट लिखिएगा। और आप लोग तो देखते होंगे जो भी यूट्यूब बनाता है उसका फैमिली कोई सपोर्ट नहीं करता है। हम लोग का आप लोग का पूरा फैमिली में सिर्फ एक मेरा भाई है जो कमेंट करते हैं कभी कभी, आप लोग देखते होंगे अजय करके हैं, और नहीं तो कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। नौकरी चाकरी सब कर रहा है लेकिन अभी इसका तनख्वाह नहीं मिल रहा है, कुछ सपोर्ट करे वो सब कुछ नहीं है, सब अपने। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, पैसा रहेगा तो आपको सब सब पूछेगा, और पैसा नहीं रहेगा ना तो कोई नहीं पूछेगा। फोन तो भी करना तो लगेगा कि पैसा मांग रहा है कहेगा। पैसा रह गया तो सोचिए आपको ऐसा करेगा, क्योंकि हम लोग ये सिचुएशन झेले हैं और अभी झेल ही रहे हैं, क्योंकि आदमी कोई दिखावा नहीं दिखा के नहीं बता सकता है, उस चीज को महसूस किया जा सकता है, लेकिन कोई नहीं। हम लोग का पास हम तो यही सोचते हैं कि अब भी हम लोग का खराब सिचुएशन आया है, कभी ना कभी अच्छा दिन तो आएगा ही। अरे हम लोग नहीं तो कम से कम हम लोग का 2 बाल बच्चा है, ये सबको पढ़ा रहे लिखा रहे, नहीं रहते हुए भी हम लोग चाह रहे कि ये लोग को अच्छा शिक्षा मिले। बाकी तो ये लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि ये लोग आगे क्या करेगा क्या नहीं ना परी। पढ़ाई लिखाई मजबूत रखेगा तब तो होगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग के सामने तो सब हम लोग का घर का सब है करोड़पति, ऐसा नहीं है सब कोई है करोड़पति, ऐसा नहीं, दीदी भैया भाभी से लेके टोटल। लेकिन अभी कह दीजिएगा ना तो कहेगा कि नहीं हम लोग से लंगा कोई नहीं है, समझे, तो इसलिए हम लोग किसी को बोलते भी नहीं है। तो हम ही जाते हैं नौकरी बनने SDM, नौकरी तो इसलिए सोनी को सोच रहे हैं ना, सोनी को बोल रहे हैं जाओ नौकरी करो और अच्छा SDM बना।
और अच्छा सा कोई अगर तुमको पसंद आ जाएगा तो फिर तुम अच्छा से चल जाना, हम लोग शादी ब्याह कर देंगे, तुमको फिर से ना परी हम लोग नहीं, परी को बड़ी होगी रेडीएम बनाएंगे ना बेटी अच्छी वाली ना, परी नौकरी करेगी ना, बड़ा हो गया तो चलिए ये तो आज पूरा सख्त मना कर दिए कि लेकिन हम आप लोग को लगा होगा ना कि एसडीएम वाला अभी वायरल चल रहा है इसलिए सब कर रहा है, लेकिन हम नहीं, सचमुच में अब मन नहीं कर रहा है हमको बनाने का, क्या फायदा, देख रहे हैं ना। तो दोस्तों अभी किशन और परी तो दोनों जन सो गया है और सच बताएं तो आज बिल्कुल भी वीडियो बनाने का मन नहीं है, एकदम लग रहा है कि कुछ करे नहीं, और ये तो सो गए हैं, उठ नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमको आज बिल्कुल मन नहीं, हम नहीं बना सकते हैं, काफ़ी अभी प्रॉब्लम है तो क्या ही कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यही अंत करते हैं, क्योंकि मन नहीं है तो उसके बाद वो काम को फिर करना नहीं चाहिए। या हम ये नहीं कहेंगे कि कल से एकदम ही वीडियो नहीं आएगा, हम कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ वीडियो डालें, क्योंकि वीडियो ही एक ऐसा जरिया है जिसमें कि हमको बच्चा को छोड़ के कहीं बाहर जाना नहीं पड़ेगा, इसीलिए हम इस चीज़ में लगे हुए हैं बस, और कुछ नहीं, बस हम तो यही चाहते हैं कि आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर हमारे चैनल में नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।